मौसम चुनावी है तो मैं थोड़ा सा चुनाव की तरफ जाना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस में। नहीं, जरूर हम अभी रिसेंट इलेक्शन में हारे हैं, हमारी जैसा परिणाम आना था उसके विपरीत आए हैं। ये भी जरूर है कि जिस परिस्थिति, जिस फिनोमा को देश में बनाया गया, प्रदेश में बनाया गया और आम जनता से जिस तरीके की बातें की गई उसके विपरीत देश की सरकारों ने देश में परिणाम दिए हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश के 23 के चुनाव हो या 14 के नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को सपने दिखाए थे, लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। पर यह भी जरूरी है कि लोकतंत्र में दो पटरी पे चलने वाली व्यवस्था होती है, हमें विपक्ष की भूमिका मिली है, हम सरकार की वो बातें जो प्रदेश हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, अपनी करते रहेंगे। आज जरूर सवाल है देश के सामने कि लोकतंत्र में जो भरोसा, जो विश्वास एक आम जनता को होना चाहिए, जो शुचिता की बात जो आम जनता में होनी चाहिए, जो जो राजनीतिक लोगों के लिए आम जनता की जो एक ब्लेसिंग होती थी उसमें कमी आई है। निरंतर लोकतंत्र में दल बदल जो चल रहा है इससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ये जरूर आज शुभारंभ का दिन है जीतू भाई, तो मैं अच्छी अच्छी बात करना चाहता हूं, लेकिन आपने कहा कि दल बदल, मत बदलिए। अगर मान लीजिए ये बदलना चाहते हैं आपको, तो आप नहीं बदलेंगे तो क्यों बदल, ये बदल पाएंगे क्या? लोग कांग्रेस को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्यों ऐसी शिकायत कर रहे हैं कि इनके जो शीर्ष नेता हैं उनके पास बात करने का वक्त ही नहीं है? अब बताइए, कमलनाथ के गढ़ में अगर कोई विधायक पार्टी छोड़कर चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लगता नहीं, बहुत ईमानदारी से आप बहुत बेबाक हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, मैं अच्छी अच्छी बात करना चाहता हूं आज, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं विस्तार न्यूज को, मैं आपको लगता नहीं कहीं अपनी ओर से भी थोड़ी कमी है? नहीं, बात यह है कि चुनाव हार और जीत दो विषय जब आते हैं तो हम ये कह दें कि जो जीता उसी में सब कमी होगी, या जो जीत के गया उसने लोगों को भ्रमित कर दिया होगा, या कांग्रेस पार्टी को और स्ट्रेंथन होना है, इसमें मैं अपने आप को बचा लूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं मानता हूं इस बात को कि जब हम 2-3-4 बार पराजय हुए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हमारे भी सुधार की आवश्यकता है, हमें और अच्छा करने की आवश्यकता है। एक बार ताली बजाइए जीतू भाई के लिए, भाई इनकी ईमानदारी के लिए ताली बजाइए कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे में गलती है और हमारे में सुधार की गुंजाइश है। ये विस्तार न्यूज के मंच में विस्तार से इन्होंने स्वीकार किया है। अपनी बात आप पूरी कीजिए प्लीज। तो मैं मानता हूं, पर यह भी सच है कि जिस तरीके का फिनोमा बना है, एक कार्यकर्ता जीवन भर आस्थाओं के साथ, आइडियोलॉजी के साथ चलता है, पर परिस्थितियां बदलती है, जब पार्टी अच्छी स्थिति में रहती है तो सहयोग करता है, और जैसे ही खराब परिस्थिति बनती है तो उसमें पार्टी में कोई कमी आके वो दल बदलता है। ये पैरामीटर देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं मानता हूं इस बात को कि स्वतंत्र है लोग, स्वतंत्र है भावनाएं, स्वतंत्र है अपने विचार, मौलिक अधिकार अपने अपने हैं, कोई कहीं भी रह सकता है, ऐसी व्यक्तियों की बातें नहीं हो रही है, लोकतंत्र की बातें। क्या कारण है कि 17 सरकारें गिरी? तो लोकतंत्र का जो एक फिनोमा बनना था, जो 500 लोग दल बदल विधायक कर गए, ये इसी 10 साल में हुआ। क्या कारण है 200 से ज्यादा सांसद दल बदल कर गए? पूरे उत्तर बीजेपी कहती है। मैं आपसे अनुरोध है कि आप जब सवाल करते हैं तो पूरा उत्तर होने देंगे, तो नया दिन है, पहला दिन है, दोनों की अच्छी बात है, आज झगड़ा नहीं करना है, आज पूरा सब कुछ होगी, ठीक है जी। तो भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, माफी भी मांगता हूँ। नहीं, कोई माफी की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक हिस्से के विपक्ष और जर्नलिज्म दोनों सरकार की कमियों को बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो मुझे पूरा अवसर दें। तो मैं मानता हूं कि ऐसा सिनेरियो देश में बन रहा है जिसमें प्रश्न लग रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, ईवीएम पर प्रश्न लग रहे हैं, जो सरकार की एजेंसियां उन पर, आप देखो सिनेरियो कैसा है, 141 लोगों पर कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी ने की, और किस लिए की? कि भ्रष्टाचार रहित देश बनाना है। अच्छा है देश के प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, सोचते हैं, बातें होती है, सवाल जनता के बीच में जाता है, एक अच्छा मैसेज होता है। पर हुआ क्या, 141 में से 121 लोग बीजेपी में शामिल हो गए, सब पे समाप्त। तो ये सवाल लोकतंत्र के लिए घातक हो गया है। क्या कारण है बीजेपी में पुराने लोग हैं, वो अपनी जगह खड़े हैं, बैठे हैं। मुझे उमा भारती जी से अभी कुछ समय पहले मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी के लिए इतना किया, आज मैं स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं हूं। तो ये सवाल इसका नहीं है कि उनने क्या कहा, सवाल ये है कि आस्थाओं के साथ पार्टियां इस तरह का सिनेरियो क्यों बना रही है?